नाजरीन, हर कोई जानना चाहता है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मर्ज़े वजूद में आई। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला के पांचवें सालाना उर्से मुकद्दस के मौका पे तारीखी हकायक मंजरे आम पर लाए जा रहे हैं, जिससे आप जान सकेंगे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मादर क्या है। इदारा सिरात मुस्तकीम गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाहमी ताल्लुक क्या है। 4 जनवरी 2011 गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के अजीम किरदार के सिर्फ 2 हफ्ते बाद 19 जनवरी 2011 को चलाए गए कारवान अजमत रसूल की वीडियोज ने जबरदस्त ईमानी तहरीक का मतला वाजे दिखा दिया। दाता दरबार लाहौर से रावलपिंडी सादकाबाद बैतुल गाजी तक एक ऐसा मार जिसने पूरे मुल्क में तारी जमूदो सकूत तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म और इमाम जलाली की कयादत में सुन्नी उलमा व मशायख का वो कारवान दहशतगर्दी के माहौल में सबके सामने कलमे हक बुलंद करने के लिए निकला। आप जान सकेंगे कौन दहशतगर्दी के माहौल में सर हथेली पे रख के निकला। हुकूमत यूरोपीय यूनियन और इस्तेमार को ललकारा, बैतुल गाजी के सामने रावल पिंडी इस्लामाबाद में इर्तियाश पैदा करने वाला वो पहला खिताब जिसने जज्बों को बिदारी और असलों को तवनाई बख्शी। कुरान सुन्नत के दलायल फिकी इस्तिदलाल कानूनी पेचुखम की हमरा हुर्रियत व हमियत की बरको चमक से हुक्मरानों इदारों और अदालतों के जमीर पर दस्तक दी। बैतुल गाजी की दालीज पर आज से 10 साल कबल अल आन अज़ल इस्लाम का वो नारा लगाया जिसकी सदाए बाज गश्त लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के पांचवें सालाना उर्से मुकद्दस के मौका पर खुसूसी मनाजर देखिए 27 फरवरी 2021 बरोज हफ्ता शाम 7 बजे इमाम जलाली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दी डॉक्टर जलाली पे। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की क्यादत में आने वाले इस काफिले को खुशामदेद कहते हैं। हम हर बातिल से टकराएंगे, रोजो रहम हमारी आएगा, हम उसका मार दिलाएंगे। ये मसला है जब ईमान का, क्या खतरा फिर जिसने डाका, इस मसले को जो छेड़ोगे फिर पाकिस्तान क्यों देखे अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, कल भी था आज भी है अपना सब कुछ। मैं मुमताज कादरी के घर के बाहर खड़े होकर हजरत उमर का वो नारा लगा रहा हूँ, ये तो अभी आगाज है। सोच लें ये हुक्मरान, ये अभी आगाज है, वरना आगे चल के हर गली में एक मुमताज है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी को बाइज्जत रिहा किया जाए। आप इस मुतालबे में मेरे साथ शरीक हैं।
मैं कहता हूं ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने वाले, आंखें हैं तो खोल के देखो, राशि है तो तोल के देखो, किसका पल्ला भारी है। जमहूरियत की नागर अपने वालों, अगर वोट दिलवाने हैं रिफ्रेंडम करवा लो, तुम्हें 1% भी नहीं मिलेंगे, गाजी को 99% मिल जाएंगे।